कोई ऐसा का आदमी समरी नहीं जा सकता था, कोई समरी का आदमी तिनारी नहीं जा सकता था, कोई तिनारी का आदमी ननौर नहीं जा सकता था, कोई ननौर का आदमी सिद्धा नहीं जा सकता था, कोई सिद्धा का आदमी मधुबन नहीं जा सकता था, कोई कसारा का आदमी नारा नहीं जा सकता था, कोई नारा रेलवे स्टेशन का आदमी अदारी नहीं जा सकता था। इतना भयंकर भयंकर नारे थे। मैं इसी सड़क के रास्ते से पढ़ने जाता था इंदारा में, छठवें सातवें आठवें दर्जे में पढ़ा हूँ, इसी बस नहीं नाले में दो बार बह गया। ये कोई हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। आज जो लड़के नए पैदा होंगे वो नहीं जानेंगे कि हमारे पूर्वजों को कितनी तकलीफ थी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है, कि हमारे पत्रकार बंधुओं से मेरी प्रार्थना है वो इस पर गंभीरता से सोचे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानता हूँ 15 जिले, बनारस कमिश्नरी और गोरखपुर कमिश्नरी, इन 15 जिलों की आबादी है 4.5 करोड़। इस 4.5 करोड़ की आबादी में आधा आदमी भूमिहीन है, 2.25 करोड़ आदमियों के पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं है। 4.5 करोड़ की आबादी में 2.25 करोड़ जनसंख्या भूमिहीनों की है। जो 2.25 करोड़ बचे उसमें 2 करोड़ के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 6 एकड़ से कम जमीन है। मुश्किल से 25 लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास 6 एकड़ 12 एकड़ 20 एकड़ के बीच जमीन है। खेती घाटे का सौदा बन गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेती घाटे का सौदा है। खेती से गरीबी नहीं दूर हो सकती, यह बात मान के चलिए। तो 4.5 करोड़ की आज आबादी है, यह आबादी 10 साल के बाद 9 करोड़ हो जाएगी। और जमीन तो नहीं बढ़ेगी और परिवार और टूटेंगे तो 2.5 करोड़ की जगह 6 करोड़ भूमिहीन हो जाएंगे। तो भूमिहीन 75% लोग हो जाएंगे और 20% लोगों की खेती 2.5 हेक्टेयर से कम होगी तो घाटे का सौदा होगा। तो फिर पूर्वांचल में खुशहाली कैसे आएगी? उसका दो ही तरीका है, औद्योगिकरण, छोटे उद्योग धंधे, मझोले उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे, लाखों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाए जाएं और उनको 24 घंटा बिजली मिले और उन छोटे उद्योग धंधे, मझोले उद्योग धंधे और बड़े उद्योग धंधे को चलाने के लिए हमारे पास टेक्निकली ट्रेंड आदमी हो, यानी पूर्वी जिले में इंजीनियर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, कंप्यूटर के इंजीनियर हो, ऑटोमेशन के इंजीनियर हो, यानी तकनीकी विद्या। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को तकनीकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। BA MIT कॉलेज बंद कर दिए जाए, सारे डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बेकार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण नंबर 1, उस औद्योगिकरण को सफल बनाने के लिए लाखों की संख्या में ट्रेन, ITI, पॉलिटेक्निक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ऑटोमेशन के इंजीनियर बनाए जाए और उद्योग धंधों को सरकार की ताकत से लाखों की संख्या में खोले जाए और उन उद्योग धंधों में जो माल बने उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। अगर यह काम किया जाएगा तब तो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी, तब तो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी। वरना पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के हर लोग जाके सरयू नदी में कितनों नहाए, कितनों
करना काट के फेंक दो सर्जरी में, आज कितनो कुछ भी करे यहाँ की गरीबी दूर नहीं होगी। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से गरीबी को हटाना है तो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण करना है, औद्योगिकरण करना है तो छोटे उद्योग धंधे, मझोले उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधों का जाल बिछाना है, और अगर इन उद्योग धंधों को सफल बनाना है तो लाखों नौजवानों को आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर लाखों की संख्या में खड़े करने। अगर ये दोनों काम जो और जो उद्योग धंधों से माल बने उस माल के मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए, यही प्लानिंग कमीशन को हिंदुस्तान के लोगों को समझाना। मैं प्लानिंग कमीशन के लोगों से बात करता हूं, वो जानते ही नहीं है क्या वहां आधा लोग भूमिहीन है। वो जान दिल्ली के प्लानिंग कमीशन में बैठकर अखबारों में पढ़ के कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी को दूर करना है, समस्या हल होगी? समस्या हल होगी? ये बिजली मैंने ऊर्जा मंत्री बनने के बाद पूछिए कि हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं। अभी कल मेरठ के लोग हमारे पास आए थे, राय साहब सारा बिजली की 400 केवी 220 केवी लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने लगवा दिया, वहाँ लोड नहीं है, वहाँ लोड नहीं है, यानी बिजली खर्च करने के लिए कोई उद्योग धंधा नहीं है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोड है तो बिजली स्टेशन नहीं है। जो अंबा पांडे सही कारण, हाँ ये हालत है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लोग नेता तो बनते हैं, अपने को माफ करेंगे लोग, कोई न पढ़ेगा न लिखेगा न अध्ययन करेगा, और इन समस्याओं को हल करने के लिए गांव गांव का दौरा करेगा, बस एक कंपटीशन है एमएलए हो जाने के लिए, एमपी हो जाने के लिए। अगर 22 एमपी होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 90 एमएलए होंगे तो 90,000 आदमी कुर्ता पजामा पहन के सुबह शाम कचहरी घेरे हुए, और कई हजार एमपी बनने के लिए है थोड़ी क्षेत्र में तेरी कर रहा हूँ दिन रात उठते बैठते, हमारे क्षेत्र में तेरी इतना है, हमारे क्षेत्र में यादव इतना है, हमारे क्षेत्र में हरजन इतना है, इससे किस हरजन की समस्या हल होगी? आजकल 10,000 लोग लखनऊ में हरजनों के लड़के गए हैं, हमसे मिले थे कि राय साहब नौकरी मिल जाए, हम कहीं ए जमीन में अगर एक नौकरी मिल जाए तो हमसे कई लोग, जिस देश के लोग गांधी जी को गरीब, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं बोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं कांग्रेस में आने के लिए, उनको मैं बिचकाना नहीं चाहता और उन काम मैं करके दिखला दूंगा आप लोगों को, आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। हे जो नेताजी लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं वो कितना अपने नीतियों के प्रति निष्ठावान है मैं जानता हूं। आखिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कैसे मिला है, और एक दल के तो 16 लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन हमारा पूर्ण बहुमत हो गया है, अब कांग्रेस वाले जाके मारपीट कर रहे हैं कि साहब इनको ले लीजिएगा तो सीटिंग गेटिंग हो जाएगा, इनको मत लीजिए, हमको लड़ना है यहाँ से। अभी दल सिंह रावत जी मुझे बुलाए थे कि क्या किया जाए, ले लिया जाए कि नहीं, मैंने कहा अभी मत लीजिए, कांग्रेस वाले तंग आएंगे, अब तो पूर्ण बहुमत हो गया दिल्ली में, और हुकूमत को 5 साल चलाइए और देश का निर्माण और विकास कीजिए, आप चुनाव कराइए 5 वर्ष के बाद, तो थोड़ा मजा ले लेने दीजिए। बिहार आए थे, बिहार में
पूरे बिहार राज्य में 400 केवी का एक स्टेशन नहीं है। एक 1947-1994 में एक बिजली का स्टेशन बिहार में 400 केवी का नहीं है। पटना में 2 घंटा बिजली रहती है, वो बिहार की राजधानी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ उत्तर प्रदेश को, बिहार मत बनाइए। जाको विध दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। पागल मत बनिए, कोई सरकार बनेगी तो उसकी नीत और सिद्धांत चलेगा। गन्ना, मैं गन्ना मंत्री हूं। गन्ना मंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान में गन्ने का दाम सबसे ज्यादा इस किसान के बेटे ने घोषित किया। 1947 से आज तक गन्ने का दाम उतना नहीं बढ़ा जितना गन्ने का दाम मैंने गन्ना मंत्री बनने के बाद बढ़ाया। कोई हो विरोधी दल का नेता अपनी माँ का दूध पिए तो बता दे कि नहीं मेरे पहले भी कभी बढ़ा। एक क्विंटल में 1 रुपया गन्ना बढ़ा दाम, किसके घर पैसा गया? किसान के घर गया। चाहे वो किसान हरिजन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे छत्री हो या भूमिहार हो या यादव हो या कुर्मी हो, गन्ने का दाम सब किसान के घर गया। जब वोट आता है अरे पागल हो गए हैं सब, क्या समझ गए हैं क्या किस बात के लिए वोट देते हैं आप? सरकार चलाना कोई मजाक है क्या? ये आजमगढ़ जिले में अगर डकैती कतल चोरी नहीं होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। भाई ये सब छोड़िए, क्यों हो रही है मैं जानता हूँ। जब देश के नेता अपनी गाड़ियों में कातिलों और डकैतों को लेके घूमेंगे, जब देश के नेता अपने गाड़ियों में कारों में चोरों और डकैतों को लेके घूमेंगे, चाहे किसी जाति या वर्ग के हों, तो आम जनता लूटी जाएगी। चोर किसको लूटता है? गरीब को। गरीब के घर में सेंध पड़ती है, गरीब का बैंक खुलता है, गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है, गरीब के खलिहान फूटा जाता है, गरीब का खेत काटा जाता है, गरीब परेशान किया जाता है। कोई शक्तिशाली आदमी घर चोरी नहीं करता। हमारे भी जिले में कुछ बदमाश थे, मैंने उनकी सारी मकानों को बुलडोजर से गिरवा दिया। उनकी 20-20 लाख की मकान है, अब आज जब भगे हुए हैं तो लखनऊ रह रहे हैं। मैंने वीके सिंह से कहा है कि हर बेड़े यहाँ हमारे मऊ में जनता को चैन की नींद सोना चाहिए। एक रिक्शा वाला अपना रिक्शा चलाकर नून रोटी खा के चैन से सो गया, ये नहीं रिक्शा चला के आया और सो गया, 4 गुंडे आए उसको 10 झापड़ मार के उसका 20-25 रुपया उठा ले गए, हमारे 10 लाठी और रिक्शा भी नहीं चलाए। आज क्या हो रहा है? न्याय इसलिए नहीं होता है जब देश के नेता गलत होते हैं। मेरी खुद चोरी हुई, मेरा कई लाख का गहना चोर डाकू उठा ले गए, लेकिन जब से मैं मेंबर पार्लियामेंट हुआ मेरे गांव में तो एक चोरी नहीं हुई। क्यों भाई चोरी नहीं हुई? कोई खेत तो नहीं कटा? क्यों नहीं कटा? पूरी मेरे देहात में शांति है कि नहीं? यहाँ चोरों डाकुओं के पैर विकास है कि नहीं? लोग वो लोग भी घर बैठ गए हैं कि नहीं? हाँ, जब वोट आता है तो ये लोग मेरे खिलाफ दौड़ना शुरू करते हैं कि भाई कल्पनाथ राज जब ना गिरी है तो हम हर के रोजगार धंधा तगड़ा ना हो। लेकिन याद रखना, अपराधियों चाहे मैं एमएलए एमपी रहूं न रहूं, मगर इस देश का कोई नेता नहीं है जो मेरी बात न माने। मुलायम सिंह यादव मेरे मित्र हैं, हम वो दोनों एक साथ जेल में रहे हैं, इटावा की जेल में, सनारसठ में, वो मेरे गहरे मित्र हैं। अब नया नया उनकी पार्टी में जो भर्ती होकर चाहे
कि कल्पना खराय हम विरोध करा दे ए जन्म में हम तो संभावना बा हाँ के लोग रखिया दे हाँ इतना कुछ हो और कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहेगा सही काम करेगा और मुझे सही काम ही कराना है, मुझे कोई गलत काम नहीं कराना है, देश का काम है। आज मैं आपसे बोल रहा था पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या, सभी बड़े बड़े नेता यहाँ इकट्ठा हैं, हमारे कलेक्टर साहब भी हैं, हमारे अधिकारी लोग भी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से गरीबी कैसे हटेगी और कैसे खुशहाली आएगी और कैसे राम राज्य होगा, कैसे लोगों में खुशहाली आएगी। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दो, हर गांव में 18 घंटा बिजली कर दो, हर गांव में पढ़े लिखे लड़कों के लिए। मैं आज कहना चाहता हूं, मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि मऊ जिले के विकास के लिए मऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज का होना जरूरी है। अगर मऊ जिले में जमीन की व्यवस्था हो गई तो 21 जून को जमीन की व्यवस्था होने पर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की शिलान्यास करूंगा और वो 1 साल में बनवा के दम लूंगा। लेकिन आप लोगों की कृपा चाहिए, अपने गरीब हैं तो अपने लड़के को भूखड़ मत होने दीजिए, आप अपने लड़कों को पढ़ाइए। हमसे एक आदमी पहुंचा कि राय साहब मंडल कमीशन लागू भई रहा तो दक्षिणी भारत के वो आदमी हो गई रहा नौकरी में, तो हम कहीं काम में थोड़ा यूपी बिहार की तो नौकरी पाएगा। अरे यूपी बिहार में तो पढ़ाई नहीं हो रही है, जब हिंदुस्तान भर का कंपटीशन होगा तो उसमें 27% लागू होगा। तो नहीं हुई है तो केरल को हुई है, मद्रास को हुई है, कर्नाटक को हुई है, आंध्र को हुई है, गुजरात को हुई है, कश्मीर को हुई है, बंगाल को हुई है, मेघालय को हुई है, त्रिपुरा को हुई है, हिमाचल प्रदेश को हुई है, यूपी बिहार को हुई क्या? या कहीं पढ़ाई लिखाई हो रही है क्या? कौन आयोग लागू हो जाए यहाँ के लोग मिले वाला ना हो, जब ने यहाँ का बुद्धि ठीक ना हो। जब तक बुद्धि ठीक नहीं होगी, और अभी हमारे विक्रमा राय जी कह रहे थे उद्योग धंधे, भाई उद्योग धंधे तो अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना बिजली कहीं नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे मैंने बात किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कारखाना लगाओ। के बिरला हमारे यहाँ मेंबर पार्लियामेंट है, उनसे मैंने कहा तो पहला सवाल उसने पूछा कि राज साहब वहाँ हवाई अड्डा है कि नहीं, तो मैंने वहाँ तो नहीं है, क्या कि 5 स्टार होटल है, हमें वो भी नहीं है। तो फिर सवाल किया कि वहाँ की जनता ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कारखाना लगाऊँ तो लाल झंडा लेके पहुँच जाए, गाँव में हर फार बंद करो, वहाँ मिल बंद करो और आगे से 2000 रुपया दे दे तो बंद हो जा हड़ताल। मैंने इतना औद्योगिक शांति है कि नहीं वहां, ये सवाल उद्योगपति पूछते हैं। विक्रमा राय जी कौन आएगा अपना 50 करोड़ रुपए कारखाना लगा के गाली सुनने, कौन आएगा? मैं कदम नहीं आएगा अगर यहाँ का औद्योगिक वातावरण नहीं बनेगा, औद्योगिक शांति नहीं होगी। आप अपना हक कायदे से ले सकते हैं, ये आप कोई आप ही तो कहूँ कि 50 करोड़ लगा के इंदौरा में कारखाना लगाइए, और जो आप कारखाना के लिए ईटा गिराना शुरू करें और 20 आदमी पहुँच के लगे हुए आपके गाली देने तो भागेंगे कि रहेंगे? कौन चाहता है कि मैं उद्योग धंधा लगाऊं और उसके बदले में हमें वहाँ के लोग गाली दें? आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने कारखाने लगे हैं सब घाटे में है, छठिया मिल 20 करोड़ के घाटे में है, रसला मिल 18 करोड़ के घाटे में है, छठिया 16 करोड़ के घाटे में है,
नंदगंज 20 करोड़ के घाटे में है, केवल घोसी चीनी मिल घाटे में नहीं है, क्योंकि मैं 24 घंटा उसका पारा देता हूँ। इसके पहले के मैनेजर ने गमन किया तो आज मोटर है 5 बरस से, और हमारे नेताजी लोग ही फर्जी पुर्जी का भुगतान कराए हैं। क्या बात करते हैं, सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने टेक्सटाइल उद्योग धंधे लगे हैं सभी घाटे में हैं। प्लानिंग कमीशन कहता है, कल्पनाथ राय जी, जब तक औद्योगिक शांति नहीं होगी भारत सरकार रुपया नहीं लगाएगी। इसको कौन करेगा? इसको हमारे जो हजारों हजार नेताजी लोग हैं उनका ये उनका पैट्रियाटिक ड्यूटी है, ये उनकी मातृभूमि के प्रति एक राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, जो किस काम को करे तो कौन औद्योगिक शांति कैसे होगी? किसी इलाके के विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी है, तो औद्योगिकरण के लिए पहली शर्त है कि छोटी लाइन बड़ी लाइन हो, दूसरी शर्त है वहाँ 24 घंटा बिजली हो, तीसरी शर्त है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज हो, चौथी शर्त है वहाँ हवाई अड्डा हो, पांचवी शर्त है वहाँ 5-स्टार होटल हो, छठवीं शर्त है वहाँ औद्योगिक शांति हो, सातवीं शर्त है वहाँ के सभी दलों के नेता विकास के सवाल पर एक मत हो। भाई वोट आगे लड़ लीजिए, लेकिन 24 घंटा एक दूसरे को नीचा दिखाइए, इसे क्या मिलने वाला है? मैं गन्ना मिल की न्यूज डालवा रहा था और यहाँ के MP साहब आमरण अनशन पर बैठ गए, चिट्ठी लिखा इंदिरा जी को, इंदिरा जी हमारे क्षेत्र की जनता गन्ना मिल नहीं चाहती, कल्पनाथ राज पिछले दरवाजे से जीत के आए हैं, जनता नहीं चाहती कि मिल लगे। तो इंदिरा गांधी ने उसको बुलाया, इंदिरा जी ने कहा कल्पना आज तक तो कांग्रेस वाले लिखते थे कम्युनिस्टों के खिलाफ कि कम्युनिस्टों ने कत्ल करा दिया बंगाल में, कत्ल करा दिया तेलंगाना में, कत्ल करा दिया केरला में, मेरी जिंदगी में पहली बार तुम्हारे खिलाफ एक कम्युनिस्ट MP लिखा है, लगता है तुम अच्छा काम कर रहे हो, करो लगेगा। ऐसे नेता का बर्दाश्त था विश्व की नेता इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी का नाम भी नहीं ले रहा और तो और कांग्रेस वाले नहीं ले रहे, आजकल इस नरसिंह राज जिंदाबाद बोल रहे हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू, क्या गांधी जैसा कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा होगा? आइंस्टाइन ने लिखा है कि दुनिया में 20वीं शताब्दी में दो चीजें दिया, आइंस्टाइन ने एटम बम बनाया और दुनिया ने गांधी को पैदा किया। और जब तक ये दुनिया वाले एटॉमिक हथियार मिटा नहीं देंगे तब तक ये दुनिया बच नहीं सकती। गांधी ने एटॉमिक युद्ध के खिलाफ जो मशाल जलाई, गोर बचाओ ने उसको पूरा किया। अगर गोर बचाओ नहीं पैदा हुए होते, मैं गोर बचाओ को सैल्यूट करना चाहता हूँ, केवल गोर बचाओ ने ईमानदारी और सच्चाई को कबूल न किया होता तब तक इस सारी दुनिया राख हो गई होती। उसने वास्तविकता को स्वीकार किया, गद्दी छोड़ दिया, लेकिन दुनिया को मिटने से बचा लिया। मेरे मन में गोर बचाओ आधुनिक दुनिया का गांधी है। अगर गोर बचाओ ने वही टकराव की राजनीति की होती पंचानंद जी, तो युद्ध निश्चित होता और एटॉमिक युद्ध होता तो रूस भी दुनिया से मिट जाता और रशिया अमेरिका भी मिट जाता, सारी दुनिया राख हो जाती। लेकिन गोर बचाओ ने वास्तविकता को स्वीकार किया, कहा कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर कम्युनिस्ट नेता और मुट्ठी भरे नौकर शाह कम्युनिस्ट यही राजकाज कर रहे हैं, जनता तो ब्रेड के बगैर मर रही है। हमने सारा दौलत
हथियारों को खर्च कर दिया है, अब हम स्टार वार की होड़ में नहीं जा सकते, तब तो हमको भी चाय नहीं मिलेगी। इसलिए भैया तुम्हारी बात हम मानते हैं और दुनिया को बचाओ। आप दुनिया बची है तो गौर बचाओ की स्टेट नाइन सीट के नाते, उसकी दूरदर्शिता के नाते प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, मगर संसार में गांधी कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं थे। गांधी जैसा कौन नेता पैदा हुआ? एक तो मैंने पढ़ा है कि कृष्ण भगवान थे जिन्होंने राजगद्दी कभी नहीं लिया, उन्होंने राजगद्दी पांडवों को दिलाया। या दुनिया में एक ही नेता पैदा हुआ गांधी जिसने क्रांति तो किया मगर गद्दी का मालिक नहीं बना? कहा जवाहरलाल तुम प्रधानमंत्री बनो, पटेल तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनो, देश को चलाओ। जवाहरलाल जी दौड़े हुए गए गांधी जी के पास, बापू मैं तो प्रधानमंत्री हो गया अब मैं कैसे काम करूं? तो गांधी जी ने कहा जवाहर तुम एक ईमानदार हो, तुम एक सच्चे हो, तुम राष्ट्रभक्त हो, तुम देशभक्त हो, तुम देश के लिए मरना मिटना जानते हो, पर एक बात याद रखना, जब हिंदुस्तान के लिए कोई योजना बनाना तो भूखे नंगे कंगाल हिंदुस्तान के लिए कोई योजना बनाना तो दरिद्र नारायण की तस्वीर अपनी आँख के सामने रखना, तुम हमेशा अच्छा काम करोगे। ये गांधी जी ने जवाहरलाल को राय दी। जो कुछ आज हिंदुस्तान है वो नेहरू की नीतियों के नाते हैं। भूखा नंगा कंगाल हिंदुस्तान, उधार अन्न उधार अस्त्र उधार कारखाना उधार धन पर जीने वाला हिंदुस्तान, सावा कोदो मड़ुआ टाउन खाने वाला हिंदुस्तान, अमेरिका की फजड़ी खाने वाला हिंदुस्तान, 35 करोड़ का भूखा नंगा कंगाल हिंदुस्तान 90 करोड़ का देश बन गया, सब लोग गेहूं चावल खा रहा है और आज 5 करोड़ टन की जगह 19 करोड़ टन ज्यादा हिंदुस्तान में हुआ है। ये किसकी नीतियों के नाते हुए? इंदिरा गांधी अमेरिका गई, निक्सन ने कहा अब हमारी विदेश नीति को मान लो, जितना चाहो गेहूं उतना ले जाओ। इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू, कहा निक्सन मैं बात स्वीकार नहीं करती। लौट के हिंदुस्तान आई, कही कि जब तक हिंदुस्तान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन जाएगा मैं विदेश नहीं जाऊंगी। हरित क्रांति हुई और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना और आज हिंदुस्तान खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। इतने बड़े बड़े विश्व के नेताओं जिस देश में पैदा हुए अब वहाँ कौन लोग क्या क्या बातें बोल रहे, अभी मेरे बोलने का वक्त नहीं है और मैं अभी चुप रहूँगा अगले दिसंबर तक, जितना मन करे उतना ही लोग गरिया लें। हाँ एक साल मुझे चुप रहना है, फिर इन्हीं को बोलना थोड़े आता है, इनसे ज़्यादा बोल सकता हूँ लेकिन अभी बोलना नहीं चाहता। नए जिले का निर्माण हो रहा है मऊ जिले का, जिला बन जाए जिला बन जाए, भाई जिला बन जाए तो कैसे बन जाए? उसे कलेक्ट्री बिल्डिंग चाहिए, दीवानी चाहिए, जेल चाहिए, पुलिस लाइन चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्टेडियम चाहिए, उसमें कलेक्टर का बंगला चाहिए, एसपी का बंगला चाहिए, उसमें स्कूल चाहिए। अगर एक काम नहीं होगा तो जिले का शासन कैसे चलेगा? रामविलास जी बताइए यहाँ की जनता क्या है? पिछले चुनाव में इस मऊ विधानसभा की जनता ने, विशेषकर हमारे मुसलमान भाइयों ने हमें वोट नहीं दिया। मान लीजिए अगर मैं चुनाव हार जाता तो क्या कलेक्ट्री बनती, क्या दीवानी बनती, क्या जेल बनता, क्या अस्पताल बनता, क्या पुलिस लाइन बनती, क्या स्टेडियम बनती, क्या आवास बनता? एक भी मऊ में कोई विकास निर्माण का काम होता? आज सोनभद्र में 1 रुपये काम नहीं हो रहा, कोई तो नया जिला बनना है। आज सिद्धार्थनगर में 1 रुपये काम नहीं हो रहा, आज महाराजगंज में 1 रुपये काम नहीं हो रहा, एक ईंटा नहीं गिरा।
वहां के कलेक्टर एसपी प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग में रहते हैं। आप लोग जिला बन जाए, अगर जिला बनाने दीजिए, जिला बनाने के लिए 40-50 करोड़ रुपया लगेगा, वो रुपया लाना पड़ेगा, उस रुपया से नक्शा अप्रूव कराना पड़ेगा, बिल्डिंग का नक्शा बनाना पड़ेगा, नक्शा के बाद ठीका देना पड़ेगा, उस पर काम को देखना पड़ेगा, कोई ईटा दोयम में लग जाए सारा जिला बन जाएगा, ये जिला 1000 वर्ष के लिए बनेगा। आप हमारे जनता हैं, अरे जिला बन जाने दीजिए, इसके बाद तो सारी उम्र लड़ने वाले लोग हैं, लड़ने दीजिए। अब हमारे यहाँ के लोग जाते हैं दिल्ली, राय साहब मेरी किडनी फेल हो गई है, मैंने 3-4 लोगों को 3-3, 4-4 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया है, तो उनकी मद्रास में किडनी का ऑपरेशन हुआ है। अगर किडनी का ऑपरेशन मऊ में होता, अगर दिल्ली का मेडिकल इंस्टीट्यूट मऊ में होता, अगर संजय गांधी इंस्टीट्यूट मऊ में होता, विश्वास करो, अगर कल्पना त्राय के हाथ को मजबूत बनाओगे तो सड़क ही दिल्ली की नहीं बनेगी, दिल्ली का मेडिकल इंस्टीट्यूट भी मऊ में बनेगा, और यहीं पर बहुत बड़ा संजय गांधी इंस्टीट्यूट भी बनेगा। कम से कम पूर्वी जिला के लोग रिक्शा से पैदल अपने मरीज को दिखला लेंगे। आज 10-10 हज़ार रुपया लगता है मद्रास जाने में, 5,500 लगता है, और अभी करने में खेत बिक जाता है, 2 बीघा खेत गहना गुरी सब बिक जाता है, दवा नहीं हो पाती, क्यों नहीं हुआ? जहां जहां प्रताप सिंह कह रहे पंजाब के मुख्यमंत्री बने, आज पंजाब सड़क बन गया, आज पंजाब का हर गांव पक्की सड़क से जुटा हुआ है, पंजाब के हर गांव में ट्यूबवेल है, पंजाब के हर गांव में नहर है, पंजाब के हर गांव में इतना विकास आता है। आज पंजाब में बिजली का खर्चा है 3600 मेगावाट और पंजाब की आबादी है 1.5 करोड़ पर 3600 मेगावाट। उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है? उत्तर प्रदेश की आबादी है 15 करोड़। यहाँ बिजली कितना खर्चा है? यहाँ बिजली कर रहे हैं कि 4,400 मेगावाट है, 15 करोड़ पर 4,400 मेगावाट और 1.5 करोड़ पर 3600 मेगावाट। तो 1.5 करोड़ पर 3600 मेगावाट तो 15 करोड़ पर उस हिसाब से कितना होना चाहिए? 12 करोड़। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश को यहाँ के 15 जिलों को पंजाब हरियाणा बनाना होगा तो 1.5 करोड़ पर 3600 मेगावाट, 4.5 करोड़ पर 10,000 मेगावाट, कम से कम 11,000 मेगावाट बिजली चाहिए। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश को पंजाब हरियाणा बनाना है तो 11,000 मेगावाट बिजली चाहिए, तब यहाँ खुशहाली आएगी, तब यहाँ के लोगों के चेहरों पर रौनक होगी, तब यहाँ मौज मस्ती होगी, तब यहाँ गाने बजाने होंगे, तब यहाँ गांव गांव में बिजली होगी, हर गांव पक्की सड़क से जुटेगा। मेरे भाइयों, मैं आपके इलाके का विकास चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की बागडोर हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता अगर मेरे ऊपर मेहरबान रहेगी तो इस पूर्वी उत्तर प्रदेश को कम से कम जो हजारों वर्ष से पिछड़ा है, काशी खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यही काशी खंडे है पूर्वी उत्तर प्रदेश, माने काशी खंडे हिंदुस्तान, माने उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश माने पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश माने काशी खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत माता की गौरव को बचाने वाला इलाका है और अंचल है।
और मैं इंदिरा जी से कहा करता था, इंदिरा जी आप मेरी माँ हैं, अगर भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाना चाहती हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास, पंजाब हरियाणा ऐसा करा दीजिए, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो भारत कभी कमजोर नहीं होगा। इंदिरा जी दुनिया में नहीं रही, मरूं क्या, मेरी मदद कीजिए, जितना मैं आपके लिए लड़ता हूँ, जितना ये डायरी के पहले पन्ने पर लिखी थी, कलेक्टर साहब हमारे इंजीनियर, ये मैं कौन कह रहा हूँ जो इंदिरा जी ने मुझे बताया, ऊंट साहब लवली डार्क एंड डी पढ़ाई है प्रामिजेस टू बी की एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे अपने वादे पूरा करना है हिंदू, मुझे सारी फाइल डिस्पोज ऑफ करना है, तब सोना है। उस रात 3 बजे सोए और सुबह 8 बजे अपने बाथरूम में गिरे और उनके प्राण फिर उड़ गए। वो भारत माता का बेटा अपने माँ की सेवा में एक एक क्षण और एक एक मिनट जागता रहा। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्यारी जनता और पूर्वांचल के सभी नेताओं से और यहाँ की जनता से हाथ जोड़ता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप सभी लोग मेरी मदद कीजिए। 100 की लाठी 1 का बोझ, 5 वर्ष मैं आपका काम करता हूँ। कोई जालिम जमींदार है वो अपने घर हरवाहा को रखता है, नहीं 20 रुपया मजदूरी देता है, नहीं 25 देता है, नहीं 15 देता है, नहीं 5 रुपया देता है, उसे मारकर काम करवाता है, फिर भी वो जालिम जमींदार अपने हरवाहे को एक लोटा रस तो पिला दिया। अगर आप ये समझते हो कि मैं आपका एक हरवाहा ही हूँ तो आपको 5 वर्ष में 1 बार वोट डालना होता है, एक कागज का टुकड़ा, मत हमको बड़ी मजदूरी दीजिए लेकिन एक कागज का टुकड़ा तो दीजिए, ताकि उस टुकड़े की ताकत से मैं नेता के रूप में आपके इलाके को पंजाब हरियाणा जैसा खुशहाल बना सकूं और आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खुशहाल होकर भारत माता की जिंदाबाद होती रहे। इन शब्दों के साथ सभी इंजीनियर को हम बधाई देते हैं, मथुरा राय जी और उत्तर प्रदेश के सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं और इन इंजीनियर्स को पारितोषिक दिलाने के लिए मैं मुलायम सिंह से कहूँगा और करवाऊंगा। इन शब्दों के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद। अरे आओ आई चलो फिर, हाँ कहाँ चलना है। राघवन दुबे आ जाओ,
चल डबल रहा ना सबसे बढ़िया राय साहब की वो देखिए मेरा एच एन एच एन एच के दो बजे आते थे पाँच बजे चले जाते थे हमारे राय साहब और एक फाइल एक साल में तीन साल में एक बार फाइल देखते थे कल इस पर मैं बड़े साहब से डिस्कस करूँगा क्या कमेंट्री है सब आ जाएगा जैसे सिंह को फेल कर बताइए। हाँ